यूपी में किसान समय से गन्ना भुगतान के लिए शुरुआत से ही दबाव बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। किसान गन्ना डालने के 14 दिन में भुगतान की मांग कर रहे हैं। शुगर केन एक्ट के अनुसार अगर 14 दिन में भुगतान किसानों को नहीं मिलता है तो ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को विलंब से भुगतान होने पर भी ब्याज नहीं दिया जाता। किसान को भुगतान मिलता है गन्ना डालने के 8 से 9 महीने बाद। तमाम परेशानियों से किसान और उसका परिवार घिरा रहता है। बिजली बिल, बैंक का कर्ज समेत तमाम खर्चे किसानों के सामने मुंह बाए खड़े रहते हैं। तमाम आंदोलनों के बावजूद गन्ना भुगतान की व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया है। चीनी मिल शामली, बरेली, सांजापुर, पीलीभीत, बदायूं समेत तमाम चीनी मिलों ने अब तक भी पिछले पेराई सत्र का भुगतान नहीं किया है। कुल मिलाकर गन्ना किसान के सामने भारी मुसीबत है, लेकिन जिम्मेदार कोई खास जान इस ओर नहीं दे रहे हैं। किसान संगठनों के बैनर तले इस बार किसान समय से भुगतान के लिए दबाव बनाने की प्लानिंग कर रहा है। मसलन मुजफ्फरनगर के भैसाना शुगर मिल के खिलाफ किसानों ने फिर से बड़े आंदोलन की बात कही है। बुढ़ाना क्षेत्र के भैसाना में स्थित बजाज ग्रुप की इस चीनी मिल ने कुछ दिन पहले ही पिछले पेराई सत्र का भुगतान किया है। बकाया भुगतान के लिए भी कई माह तक भाकियों के बैनर तले धरना चला था। अब किसानों की मांग बुलंद होने लगी है कि 14 दिन में भुगतान की व्यवस्था लागू हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन का नाम बुद्धि शुद्धि अभियान रहेगा। इस ऐलान से चीनी मिल पर दबाव बना है और जानकारी मिली है कि नए पेराई सत्र का कुछ भुगतान जल्द किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। भाकियू नेता कपिल खाटियान का कहना है कि सरकार को किसानों की कोई सुध नहीं है, सरकारें सिर्फ पूंजीपतियों का हित देखती हैं। किसान अपने हक की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेगा। भाकियू के बुढ़ाना तहसील अध्यक्ष अनुज बालियान का कहना है कि 14 दिन में भुगतान के लिए प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी तो किसान मिलकर बिगुल बजा देंगे। किसानों का जरा भी उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा।